नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कृषि प्रधान देश भारत में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार के अलावे सभी राज्यों की सरकारें भी कई लाभकारी योजनाएं चलाती हैं। बिहार की आधे से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि किसानों के लिए चल रहे लाभकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन्हें मिल सके, ताकि राज्य में कृषि कार्य बाधित न हो, साथ ही किसानों को उनका हक मिल सके। ऐसे में बिहार सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट से कई योजना का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि सरकार के सामने यह भी प्रूफ होना चाहिए कि लाभ की राशि किसानों को ही मिल रही है या नहीं। इसलिए किसानों को बिहार सरकार के कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस रजिस्ट्रेशन को किसान निबंधन कहा जाता है। किसान निबंधन करना जरूरी होता है, क्योंकि इसे करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उसी के जरिए किसानों को कई तरह के अनुदान के रुपए मिलते हैं। आप भी अगर खेती बाड़ी करते हैं तो आपको किसान रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी विभाग या ब्लॉक आदि के चक्कर नहीं लगाने हैं। आप घर बैठे खुद से मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। अगर आप किसान रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप बिहार और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई लाभकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से किसानों को कृषि इनपुट अनुदान, पीएम किसान सम्मान निधि, गोदाम निर्माण, बीज अनुदान, खरीफ और रबी के लिए डीजल अनुदान, कृषि यांत्रिकरण, जल जीवन हरियाली समेत अन्य कई योजना के तहत अनुदान की राशि के साथ ही कई छूटें भी मिलती है। खासकर बाढ़ और सूखा के कारण फसल को नुकसान पहुंचने पर सरकारी मदद के रुपए भी डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में भेजे जाते हैं। इन सबसे पहले बिहार सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट पर किसान पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसलिए हम इस वीडियो में खुद से आपको किसान रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। किसान पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर बिहार कृषि विभाग लिखकर सर्च करना पड़ेगा, जिसके बाद पेज पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मिलेंगे। इनमें से आपको पहला लिंक https://dbtagriculture.bihar.gov.in को खोलना है। आपके सामने अब कृषि विभाग बिहार सरकार का आधिकारिक डीबीटी वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ होम के बगल में आपको पंजीकरण करने का विकल्प दिखेगा, उसे क्लिक कर ले। आपके सामने अब नया पंजीकरण इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास वैध आधार संख्या है या फिर नहीं, जिस पर आपको यस टिक करना है। आपके आधार में दर्ज मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। अब आपको आधार का सही प्रमाण देने के लिए डेमोग्राफी प्लस ओटीपी पर टिक करना होगा। फिर आधार नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद जो नाम आपके आधार कार्ड में है उसे सेम टू सेम भर दे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर दे। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को एंटर करके वैलिडेट ओटीपी कर ले। इसके बाद ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आप किसान पंजीकरण को टिक करें। यहाँ अब आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक का विवरण पूछा जाएगा, जिसे सही भरना है। यहाँ आप किसान का नाम, पिता, माँ या पति का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान उम्र, जाति श्रेणी, जिला, ग्राम पंचायत, मोबाइल नंबर, जेंडर, प्रखंड, गांव आदि सही भर देना है। यहाँ आपको किसान की श्रेणी, जैसे कि वृहद किसान, लघु किसान या फिर सीमांत किसान में से चुन लेना है। इसके बाद आपको अपने बैंक की जानकारी भरनी है, जैसे बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर को भर देना है। यहाँ आपको बता दें कि आपका आधार बैंक से लिंक होना अनिवार्य है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करने समय आप यह पक्का कर लें कि आधार नंबर बैंक अकाउंट से जुड़ा है या नहीं। अब इसके नीचे आप आधार के विवरण भर दे। अब आप सबमिट कर ले। सबमिट करते ही आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, इसे आप एंटर कर ले और वैलिडेट कर ले। इन सब के बाद अब आपको फॉर्म में नीचे रजिस्टर करने का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आपका किसान निबंधन हो जाएगा। इसी के साथ आपको स्क्रीन पर पंजीकरण पावती का पेज दिखने लगेगा। यहाँ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसे आप सेव कर ले या फिर स्क्रीन शॉट रख ले। इस तरह से आप खुद से अपना किसान पंजीकरण पूरा कर लेते हैं। किसान पंजीकरण करने के बाद किसानों को मिलने वाले लाभ राशि सीधे उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।